नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मेरा नाम है रोशन भुमियार। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अजिंक्य रहाणे ने बताया है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पूरी टीम के साथ डिनर किया था और साथी खिलाड़ियों को अहम संदेश भी दिया था। कोहली अब भारत वापस लौट चुके हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम सिर्फ एक घंटा खराब था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीम के खिलाड़ी बेकार। अब दोनों टीमें 26 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने होंगी। विराट कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश लौट गए हैं दोस्तों, उनकी जगह रहाणे टीम के कप्तान करेंगे। अजिंक्य रहाणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिरी टेस्ट मैच में हमने दो दिन शानदार खेल खेला, लेकिन हमारा एक घंटा खराब रहा जहां हम मैच को पूरी तरह से गवा बैठे। इसके बाद जो हमारी बात हुई, यह हमें व्यक्तिगत तौर पर एक टीम के तौर पर अपना समर्थन करना होगा। अगले मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ खेलना है, जैसा हमने पहले टेस्ट मैच में खेला था, उसी पर बने रहना होगा। रहाणे ने पहली बार टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, वह 2017 में धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वह स्वाभाविक भावनाओं के साथ काम करेंगे। रहाणे ने कहा है कि दोस्तों 2017 टेस्ट मैच में मैंने सीखा था कि एक कप्तान के तौर पे आपको अपनी परिवर्ती के साथ ही बने रहना चाहिए और दबाव में शांत रहना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने तरीकों के हिसाब से चलना चाहिए जिन पर मेरा ध्यान होगा। मैंने उस टेस्ट मैच में काफ़ी कुछ सीखा था। रहाणे पहली बार टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, वो 2017 में धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही कप्तानी कर चुके हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें विराट कोहली की जगह जिनके रहाणे कप्तानी करेंगे, और क्या रहाणे उस तरह के सफल कप्तान बन सकते हैं जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली? आप हमें कॉमेंट करके बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।